नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट उज्जवल दुबे और आज मैं सिंप्लीफाई करूंगा सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड यंग लॉयर्स। आई विल डिस्कस जर्नी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट, व्हाट एवर यू से, फ्रॉम चार्जशीट टू कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस, फ्रॉम कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस टू समनिंग ऑफ अक्यूज्ड, एंड फ्रॉम समनिंग ऑफ अक्यूज्ड टू कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इनिशिएट अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कैसे स्टार्ट होगी एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो नेचुरली आंसर इज ऑफेंस, आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर कोई अपराध होगा तभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगी। तो अब ऑफेंस कितने तरह के हैं? तो ऑफेंस दो तरह के हैं, टू टाइप्स, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। हाउ वुड यू डिटरमाइन विच ऑफेंस इज कॉग्नाइजेबल एंड विच इज नॉन कॉग्नाइजेबल? अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो आंसर यह है कि जो हीनियस कैटेगरी में आते हैं, जो ऑफेंस जैसे मर्डर, रेप, डकैती, ये सारे हीनियस क्राइम, गंभीर अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होंगे। एंड इन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पुलिस शैल रजिस्टर FIR। एंड नॉन कॉग्निजेबल, जो कि लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, वैसे ऑफेंसेस जैसे कि सपोज आप पुलिस के पास गए और केस है सेक्शन 323 का, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट का, पुलिस ने FIR लॉज करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो क्या वो गलत है? नहीं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस FIR लॉज नहीं करेगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन तभी करेगी जब सेक्शन 155 सीआरपीसी में उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन मिलेगी उसके लिए। अगर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो इन्वेस्टिगेशन इलीगल होगी, वॉइड होगी। अब आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस पर। हाउ वुड यू डिटरमाइन? जस्ट गो थ्रू फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, गो थ्रू फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, यू विल फाइंड, यू विल डिटरमाइन विच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड विच कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आते हैं अगर पुलिस ने FIR लॉज कर ली, तो FIR लॉज फर्स्ट मैंडेट, फर्स्ट स्टार्ट यहीं से होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज है FIR लॉज करना। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना FIR लॉज किए हुए भी अगर पुलिस को डाउट है, अगर पुलिस को संदेह है कि क्राइम कमिट हुआ है, कमीशन ऑफ क्राइम हुआ है, तो उन केसेस में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, क्योंकि सेक्शन 2H सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात तो करती है लेकिन ये कहीं नहीं कहती है कि FIR इज द एसेंशियल प्री रिक्विजिट, कि अगर FIR नहीं लॉज हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट नहीं करेगी। मान लीजिए एक आदमी 5 दिन से लापता है, अब पुलिस को समझ नहीं आ रही कि उसकी किडनैपिंग हुई है या उसकी मर्डर हुई है। अगर उसकी मर्डर हुई है तो 302 लगाना होगा, अगर किडनैपिंग एब्डक्शन है तो 363-364 लगा। तो अब पुलिस को ये पता नहीं, अगर पुलिस को ये डाउट है और वो आदमी लापता है तो उस केस में पुलिस क्या FIR बिना लॉस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? हाँ कर सकती है। अभी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हमने देखा कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करी थी बट FIR लॉज नहीं करी थी, बिना FIR लॉज किए ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी। और फिर FIR कहां लॉज हुई? FIR बिहार पुलिस ने लॉज करी, लॉज हुई। किसने लॉज करी? एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने। कैसे, क्यों लॉज करी? क्योंकि ही कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, जो विक्टिम है, पीड़ित है, या जो अग्रीव्ड पर्सन है वो एक्टर सुशांत सिंह फादर के, उसके फादर हैं, और उन्होंने FIR लॉज करी बिहार में, बिहार पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करी। तो आफ्टर, कहने का मतलब यह था कि लॉजिंग ऑफ FIR, FIR लॉज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। और इन सम केसेस, अगर दूसरे कई केसेस में जिनमें कि FIR लॉज नहीं भी हुई है लेकिन पुलिस को अगर संदेह है कि तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। FIR लॉज हो गई, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्टार्ट कर दी, अब पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस कलेक्शन करेगी एविडेंस का। पुलिस स्टार्ट्स कलेक्टिंग एविडेंस। हाउ? अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी पुलिस विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस, जितने भी गवाह हैं उन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। और सेक्शन 162 सीआरपीसी ये कहती है
कि उसके सिग्नेचर नहीं लेगी। पुलिस शैल, वर्ड यूज्ड इज शैल, उनके गवाहों के जो भी एग्जामिनेशंस करेंगे, जितने भी लोगों पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी विटनेसेस हैं, जिनके भी स्टेटमेंट्स उनको रिकॉर्ड करने हैं, जिन उन सबके स्टेटमेंट्स वो रिकॉर्ड करेगी और कलेक्ट करेगी। विच टाइप ऑफ एविडेंस? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, मेटेरियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, व्हाटएवर एविडेंस, जो भी एविडेंस पुलिस को लगता है, जो भी सबूत पुलिस को लगता है कि जुटाए जाने चाहिए, उनको पुलिस उन सारे सबूतों के ऊपर काम करेगी, उनको जुटाएगी। उसके बाद ये सारा करने के बाद जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी, अगर यहां पर मैं सेक्शन 167 को डिस्कस कर देता हूं, 167 इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अगर पुलिस ने, क्योंकि सीआरपीसी ये कहती है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट करा है अक्यूज्ड को, अरेस्ट करा है, क्योंकि पुलिस को ये पावर है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव करा है पुलिस ने और एनी रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, इन दैट केस पुलिस कैन इवन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसको बिना वारंट के, अगर पुलिस, या फिर वारंट के ऊपर भी अगर पुलिस ने अरेस्ट करा है, कहने का मतलब यह है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट करा है किसी व्यक्ति को, तो फिर उन केसेस में जो हीनियस क्राइम जिसमें कि डेथ पेनल्टी और 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट है, उन केसेस में वो 90 दिन के भीतर चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी, और दूसरे केसेस में 60 डेज में, अगर अरेस्ट नहीं किया गया है, अगर अक्यूज अरेस्टेड नहीं है, तो फिर ये बाध्यता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो 90 दिन में ही करेगी। और अगर 90 दिन में, अगर 90 डेज में पुलिस ने नहीं करा, अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करा, तो डिफॉल्ट बेल का राइट भी मिल जाता है, ये सेक्शन 167 सीआरपीसी कहती है। उन केसेस में पुलिस क्या करती है, क्योंकि 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो नहीं सकती है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस कस्टडी की डिमांड करती है मैजिस्ट्रेट से, और वो कितने दिनों की हो सकती है, वो मैक्सिमम 15 डेज की हो सकती है। उन 15 दिन में वो पुलिस के ऊपर है, वो पुलिस चाहे तो 2 दिन की ले सकती है, 4 दिन की ले सकती है, 5 दिन की ले सकती है, वो जितनी पुलिस को जरूरत है, बट वो मैक्सिमम 15 डेज का वो पुलिस कस्टडी ले सकती है, और उसके बाद जो पुलिस रिमांड ले सकती है, उसके बाद की जो कस्टडी होगी वो जुडिशियल कस्टडी होगी। तो अब पहले हमने 161 में एविडेंस कलेक्शन हो गई थी, अब आते हैं 164 सीआरपीसी के ऊपर। 164 सीआरपीसी में क्या होगा, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको कन्फेशन कहते हैं, जो अक्यूज्ड है, जो विटनेस, जो उनकी जो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस के सामने नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने, अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड बिफोर मैजिस्ट्रेट। अब ये इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एविडेंस, पुलिस विल फाइल चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। 173 सीआरपीसी में पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी या पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी। अब पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पुलिस कहेगी कि हमने सफिशियंट एविडेंस जुटाए हैं ये जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट, अब आप कोर्ट क्या करे, इसको कॉग्नाइजेंस ले और इसकी ट्रायल शुरू हो, क्योंकि एविडेंस जो है, जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, वो एविडेंस सफिशियंट है ट्रायल शुरू करने के लिए, ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए, कमेंस करने के लिए। तो फिर मैजिस्ट्रेट इन दैट केस टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ दैट ऑफेंस। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पुलिस कहती है कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला, कोई सबूत ही नहीं मिले इसके अगेंस्ट, इसलिए इस केस को क्लोज कर दिया जाए। तो क्या मैजिस्ट्रेट पुलिस की ओपिनियन के, बिकॉज ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ओपिनियन ऑफ पुलिस ऑफिसर हु हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस इज रेलिवेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओनली ऑन दैट ओपिनियन, ओनली ऑन द मटेरियल विच इज कलेक्टेड, विच इज रिलायड अपॉन बाय द पुलिस और रिलायड अपॉन बाय द प्रोसिक्यूशन, विच हैज बीन मेंशन्ड इन द चार्जशीट, मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड व्हाट टू डू, वेदर टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ दिस ऑफेंस और नॉट। तो ये अब अगर पुलिस ने ये कहा कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए, क्लोजर के लिए फाइल करा केस, देन व्हाट मैजिस्ट्रेट विल डू, क्या मैजिस्ट्रेट स्ट्रेट अवे उस केस को क्लोज कर देगी? नहीं, स्ट्रेट अवे उसको क्लोज नहीं करेगी,
इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ क्लोजर रिपोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ क्लोजर रिपोर्ट व्हाट मजिस्ट्रेट डज, मजिस्ट्रेट विल सेंड अ नोटिस। नोटिस टू हूम? नोटिस टू द पर्सन, टू इन्फॉर्मेंट, टू कंप्लेनेंट हु हैज लॉस्ट एफआईआर, हु हैज इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग, दैट आप पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है, क्या आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं? अगर आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद उस नोटिस के बाद मजिस्ट्रेट उसको सुनेगी, जो दूसरी पार्टी है उसको सुनेगी, अग्रीव्ड पर्सन जो है उसको सुनेगी, और उसको सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगी कि क्या किया जाए। अब मजिस्ट्रेट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से तीन ऑप्शन है? या तो मजिस्ट्रेट क्लोज कर देगी केस को, क्योंकि मजिस्ट्रेट को लगेगा देयर इज नो सफिशियंट एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज्ड, तो उसने क्लोज कर दिया। या फिर मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि देयर इज सम गैप इन इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसा लैक्यूना है, कुछ छूट गया है जिसको कि इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेगा। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेट करेगी जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। अब तीसरे केस में क्या होगा, मजिस्ट्रेट स्ट्रेट अवे कॉग्नाइजेंस लेगी उस ऑफेंस की। पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद कॉग्नाइजेंस लेने का मतलब है, व्हाट इज कॉग्नाइजेंस? कॉग्नाइजेंस लेने का मतलब है मजिस्ट्रेट विल अप्लाई इट जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये डिसाइड करेगी कि ये केस फिट है फॉर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, इस केस में अक्यूज्ड को समन किया जा सकता है। अब आते हैं कॉग्नाइजेंस स्टेज के ऊपर। कॉग्नाइजेंस स्टेज सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। अब सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में सेक्शन 191A कहती है कि मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस अपॉन रिसीविंग अ प्राइवेट कंप्लेंट। अब ये प्राइवेट कंप्लेंट क्या होता है, अब तो यहां पर ये समझ लें, प्राइवेट कंप्लेंट कहने का मतलब है कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस एफआईआर लॉज नहीं करती है, तो उन केसेस में आपके पास क्या रेमेडी है, जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके पास क्या रेमेडी है? अग्रीव्ड पर्सन के पास ये रेमेडी है कि वो डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है। कंप्लेंट केस कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी हो सकता है, दोनों केसेस में हो सकते हैं। अब जब कंप्लेंट केस फाइल किया गया तो क्या कंप्लेंट की डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस लेती है मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190? नहीं। मजिस्ट्रेट क्या करती है, अगर वहां पर इसमें इन बिटवीन एक उसमें क्या होता है कि अगर सपोज कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट फाइल करी है, ही हैज एनेक्स्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द एविडेंस विच ही हैज मेंशनड द नेम ऑफ विटनेसेस, तो उसके बाद अगर ये कंप्लेनेंट अगर कोर्ट से ये कहती है कि ये जो केस है, ये जो स्कैम है जिसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो भी ऑफेंस ये कमिट किया गया है, वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इसकी इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कंप्लेंट की डेफिनेशन में ऑफेंस वर्ड लिखा हुआ है, उसमें कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल नहीं लिखा हुआ है, बट मोस्टली ऐसा होता है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो डायरेक्ट होती है वो कॉग्निजेबल केसेस में ही होती है। तो अगर कंप्लेंट फाइल हुआ है और वहां पर कोर्ट को यह कहा गया, जो कंप्लेनेंट है उसने ये कहा कि आई कांट इन्वेस्टिगेट दिस केस बाय माई ओन, आई नीड असिस्टेंस ऑफ पुलिस, पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी तभी ये केस सॉल्व हो सकता है, ये स्कैम इसकी तह तक जाया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है। फिर क्या करेगा कोर्ट अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो सेक्शन 156 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है? अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बात सही है, ये जो ऑफेंस है, ये जो केस है, ये जो स्कैम है, इसको कंप्लेनेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, कंप्लेनेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्लेनेंट खुद से इस केसेस में अपने विटनेस प्रोड्यूस करे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करे और उन सब सारे एविडेंस को कोर्ट के सामने रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कंप्लेनेंट के लिए, तो उन केसेस में कोर्ट क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर डायरेक्ट करेंगे। पुलिस ने एफआईआर लॉज करने से मना कर दिया था लेकिन कोर्ट ने एफआईआर लॉज करने की डायरेक्शंस दी। अब आ जाते हैं फिर से सेक्शन 191A के ऊपर। अब वो प्राइवेट अब अगर
156(3) में FIR लॉज हो गई, तो फिर जो प्रोसेस था, जस्ट अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स कि जो प्रोसेस था, फिर से अब FIR लॉज हो गई, अब अगेन सेक्शन 161 में एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, 164 में जो कन्फेशंस है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा, और फिर से वो 173 में पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल की जाएगी। लेकिन अब वो प्रोसेस उस तरह, लेकिन अगर उन केसेस में जिनमें मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कि नहीं इसमें FIR लॉज नहीं किया जा सकता है, कंप्लेनेंट को खुद ही अपना केस प्रूव करना होगा कोर्ट के सामने। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये कंप्लेंट प्राइमा फेसाई एग्जिस्ट करती है इस कंप्लेंट, तो उसमें वो 191A में उसकी कॉग्नाइजेंस लेगी और सेक्शन 200 में उन सारे विटनेसेस को ऑन ओथ एग्जामिन करेगी, और उनको एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है, इफ कोर्ट फाइंड दिस केस इज फिट फॉर समनिंग ऑफ अक्यूज, देन कोर्ट विल समन अक्यूज अंडर सेक्शन 204 CRPC और अदरवाइज विल डिसमिस द केस अंडर सेक्शन 203 CRPC। अब आ जाते हैं पुलिस रिपोर्ट वाले केस के ऊपर, जिसमें पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल हुई थी, उस केस की कॉग्नाइजेंस किसमें होगी? सेक्शन 191B में होगी। अब उस केस में सेक्शन 191B में कोर्ट कॉग्नाइजेंस लेगी। अब 191B में कॉग्नाइजेंस लेने के बाद कोर्ट क्या करेगी? स्ट्रेट अवे समन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 204 CRPC। अब 204 CRPC में अक्यूज्ड की समनिंग हो जाने के बाद कंप्लेंट केस और पुलिस रिपोर्ट के साथ जो के पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो केस है, ये दोनों फिर पैरेलल प्रोसीडिंग्स होगी। इसके बाद 204 के बाद 204 की समनिंग ऑफ अक्यूज्ड के बाद जो प्रोसीडिंग्स होगी वो पैरेलल प्रोसीडिंग्स होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेजेस मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल कि कैसे ये प्रोसीड करता है, कैसे ये सीआरपीसी व्हाट सीआरपीसी इज ऑल अबाउट, ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब सेक्शन 204 की कंप्लायंस के बाद क्या होता है? अब आते हैं सेक्शन 207 के ऊपर। सेक्शन 207 में अक्यूज्ड को फर्स्ट टाइम, क्योंकि कॉग्नाइजेंस ले लिया गया, समन कर दिया गया अक्यूज्ड को, अब अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विच हैज बीन रिलाइड अपॉन बाय द प्रोसिक्यूशन, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, डॉक्यूमेंट्री और वट एवर एविडेंस कलेक्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन और कलेक्टेड बाय द पुलिस, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अक्यूज्ड को सप्लाई किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम जब से केस स्टार्ट हुआ है, उसके स्टार्ट केस के स्टार्ट होने के बाद, जब से केस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुआ है, उसके बाद फर्स्ट टाइम अक्यूज्ड को सेक्शन 207 में स्टैट्यूटरी राइट है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डिमांड करे, और मजिस्ट्रेट का भी ये इंश्योर करना, मजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर डेट देयर इज सफिशियंट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 CRPC। तो सेक्शन 207 CRPC की कंप्लायंस हो गई, अक्यूज्ड को उसकी कॉपी भी मिल गई, अब कमिटल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अब कमिटल प्रोसीडिंग के लिए समन्स केस है या वारंट केस है या केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है? अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जाएगा। यहां मैं एक बात लॉ स्टूडेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए बता दूं कि जो कॉग्नाइजेंस स्टेज है, जो समनिंग ऑफ अक्यूज्ड स्टेज है, ये ऑर्डिनरी एंड जनरली ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही होता है, ये सेशन कोर्ट में नहीं होता है। अब सेशन कोर्ट में यहां आफ्टर ये 207 की कंप्लायंस होने के बाद ये सेशन कोर्ट को कमिट किया जाएगा। इसके बाद अब ये केस कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, जहां पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस और दूसरे जो भी एविडेंस हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, सेक्शन 311 में रिकॉल ऑफ विटनेस, सेक्शन 313 में एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, ये सारी प्रोसीडिंग्स आफ्टर सेक्शन 207 की कमिटल के बाद होंगे। उसके बाद जब कोर्ट में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये सारा कुछ कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। बट कॉग्नाइजेंस का स्टेज, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाएगी, उसके बाद जो कॉग्नाइजेंस लिया जाएगा, उसके बाद जो अक्यूज्ड को समन किया जाएगा, ये सारा मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही होगा। ये जानना बेहद जरूरी है, ये टेक्निकलिटी है जिसमें कि बड़ी कंफ्यूजन रहती है लॉ स्टूडेंट्स को। तो आज मैंने ये जो जर्नी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जर्नी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू
पुलिस रिपोर्ट, इन पुलिस रिपोर्ट टू कॉग्नाइजेंस, कॉग्नाइजेंस टू समनिंग ऑफ अक्यूज, एंड समनिंग ऑफ अक्यूज टू कमिटल ऑफ केस फॉर ट्रायल। तो अब यहां तक ये जर्नी आज ये कंप्लीट होती है। तो डेट्स ऑल फॉर टूडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस इन डिटेल हाउ क्रिमिनल ट्रायल टेक्स प्लेस, कैसे क्रिमिनल ट्रायल होती है, कैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 311, 319 और ये जितने डिस्चार्ज, एक्विटल, कन्विक्शन, इन सारे को मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगली लेक्चर होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।